सदर थाना क्षेत्र के सिटी ठाकुरबारी मंदिर में महादलित परिवार को 22 जनवरी को मंदिर में ना घुसने दिए जाने के विरोध में महादलित राजू चौधरी के ऊपर भी एक केस दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था और मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित ने इसको लेकर पुलिस अधीक्षक से अपने जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। 22 तारीख को हमने एक FIR करवाया था सदर थाना में, ठीक है, और वो थाना का FIR होते हुए भी मेरे ऊपर एक FIR हुआ है 23 तारीख को। आप लोग FIR किया कि हम उसका छिनतई किए हैं मैना तिवारी का, ठीक है, उर्फ अरुण तिवारी, ठीक है। हमने उनका कोई छिनतई नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर एक FIR किए हैं 8 बजे से। वो मंगलवार को हमने उनकी पत्नी के गला से चैन छीना और उनको मारा, जबकि ऐसी कोई मामला है ही नहीं। मैं सुबह 6 बजे से धरना पे बैठा हुआ था, ठीक है। पूरे समाज का आदमी जानता है कि राजू मंगलवार को सुबह 6 बजे से धरना पे बैठे हुए हैं, जबकि धरना पे बैठने के क्रम में ही प्रशासन आए, सबको आए, सब बैठ करके हमको बोले कि मामला को देख लिया जाए। उसके बाद भी मेरे ऊपर बताइए छिनतई का मामला होगी लग चुका है, मेरे परिवार मेरे बच्चे के ऊपर भी छिनतई का मामला लगा हुआ है, ठीक है। सदर थाना कांड संख्या 70 में हमारा FIR मेरे ऊपर हुआ है, मेरे नाम से, मेरे पिताजी के नाम से, मेरी माँ के नाम से, मेरे भाई के नाम से और मेरी पत्नी के नाम से, कि हम लोग ने भवानी देवी, ठीक है, पति अरुण तिवारी की पत्नी को छिनतई की और उसको मारपीट की, उसको नग्न किए, ऐसा मामला दर्ज उसने किया है हमारे ऊपर। तो पुलिस लोग भी तो आई थी उस समय, पुलिस आए थे, पुलिस भी जान रही है, जबकि ये घटना जिस 8 बजे वो सुबह के दे रहे हैं, जबकि प्रशासन 9 बजे आकर के सारा बात हमसे उस मामले का पूछताछ की है, जिस मामला में हमने FIR करवाया था। हमें मंदिर पे घुसने नहीं दिया गया, हमें एक महादलित करके भगाया गया। क्या मतलब साजिश के तहत लोग? बिल्कुल मेरे ऊपर साजिश किया जा रहा है और मुझे धमकी भी दिया जा रहा है और जान से मारने की, तुम इस तरह का मामला मत करो, तुम अपना केस को उठा लो। अब मुझे डर सा लग रहा है कि मेरा या मेरे परिवार का बच्चा का सुरक्षा अब कौन जिम्मे लेगा, हमको बहुत सारा डर लग रहा है। धमकी दे रहे, कभी भी अनहोनी हो सकती है। वहाँ पता चला है कि एक उनके जो हमने मनीषा कुमारी या मनीषा तिवारी उर्फ मन्नू का जो नाम दिए, वो DM ऑफिस में काम करती है, वो दावेदारी हमारे साथ कर रही है कि हम जो है DM के ऑफिस में रहते हैं, चाहे जो करना कर लो, हम DM साहब मेरे साथ हैं। लेकिन DM साहब का नाम से भी DM साहब के नाम से हमको धमकाते हैं, ठीक है, और भी बाहुबली के माध्यम से हमको डराते हैं केस उठाने। रात में हम आते हैं घर तो धमकाया जाता है चौक पे कि केस को तुम उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह का मामला हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। हम लोग डरे और सहमे रह के घर में रहते हैं। हम पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय दिया जाए और अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, ना उनसे कोई पूछताछ हुई है। आगे फिर क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग आप मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और पुलिस प्रशासन इस मामले को जल्द से जल्द अपने निगरानी के तौर पे से जांच किया जाए। जो निरपेक्ष जांच होगी, हम प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं कि मेरा मतलब केस पे निरपेक्ष जांच किया जाए, जो दोषी होगा उनको सजा दिया जाए। परिचय बता जी, मेरा नाम राजू कुमार चौधरी, मेरे पिताजी के नाम श्री अशोक चौधरी, पता पूर्णिया सिटी थाना सदर जिला पूर्णिया।